की मॉडल पाकिस्तान तरीके साफ से लेकर है और उनकी ये देखें जी, ये है लंदन। हर बंदा अपनी दुनिया में मगन है। इधर कोई और लगे हुए हैं प्रोटेस्ट करने, इधर पाकिस्तान वाले हम लगे हुए हैं इमरान खान को रिलीज करें। हेलो, मैं जो मिडले के अंदर मजमा मत मैं आप सबसे दरखास्त करता हूँ कि जो दरअसल आप यहाँ इस काम के लिए आए, जो हमारे साथी जेलों में हैं उनकी रिहाई के लिए आए। हम सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई का तकाजा नहीं करते, क्योंकि खान साहब खुद कहते हैं कोई डील नहीं हो सकती पहले बंदे छोड़ो। जो अपनी रिहाई की मांग था, जिन लोगों ने मेरे नाम लेने जा रहा हूँ, जिन्हें आपने भरपूर तालियों के साथ उनके साथ इजारे में जयती करना है, जनाब अफशा बीबी साहिबा, हमारी एक और साथी है दीना खान साहिबा, रुबीना जमान साहिबा, जोर जोर से ताली है प्लीज, रुबीना रिजवान साहिबा, रामीता बेगम, नसीम अख्तर साहिबा, सादिया नाज साहिबा, अरुणा नईम साहिबा, ये देखिए कितने हैं पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी, फरजान सरवर साहिबा, सोनिया असद साहिबा, फरखंदा साहिबा और वो चली बहादुर मर्द। वैसे तो मेरी ये बहनें भी बड़ी दलेर निकली है भाई, हमें इतना हौसला नहीं था, हमारा लिस्टों में नाम आया हमने पाकिस्तान जाना छोड़ दिया, और हम हमारा लिस्टों में नाम अभी आया भी नहीं, हमने पाकिस्तान से भागना शुरू कर दिया। यार जद्दोजहद किस चीज का नाम है? जद्दोजहद कभी डर और खौफ से कभी भी नहीं कामयाबी हासिल कर सकती। जद्दोजहद तेरे और मेरे लड़ने का नाम है। जिस मुल्क को बनाने में मेरे आबा अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियां दी, वो आबा अजदाद आपके भी थे मेरे भी थे। उन्होंने मुल्क से राय फरार इख्तियार नहीं की, मगर वो लोग जो आज जेलों में बैठे हुए हैं हमारे सरों के ताज हैं। फहीम हदर साहेब, इनके लिए भरपूर तालियां। जनाब एम अब्दुल्ला साहेब, इनके लिए भरपूर तालियां। ये यहाँ से एक बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है, जो खातून बाकायदा नाम लेके तालियां बजा बोले। जनाब हसन शाकिर साहब, बैरिस्टर हसन नियाजी साहब, जनाब आशिक खान साहब, जनाब हैदर मजीद साहेब, जनाब फैसल इरशाद साहेब, मियां अकरम हुसैन साहेब, सज्जाद अहमद साहेब, मियां अब्बास और आखिर में अहमद अली बादवा साहब,
ये तो वो लोग थे जिनका हमें मालूम है, लेकिन हमारे हजारों साथी लोग, उन्होंने तो ईदे भी जो है वो अपनी जेलों में गुजारती है एक मकसद के लिए, एक पास के लिए। अल्लाह ताला अगर उनके मकसद में कामयाब करे। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े प्यारे बंदे जी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तरीके से उन्होंने इमरान खान का साथ दिया, कोई नहीं दे सकता था। आज ही मुझे, मैं शुरू से ही शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लूँगा। ये देखिए जी, ये सिक्योरिटी के लिए है सारी पुलिस यहाँ पे। वो पीछे लंदन आए। अच्छा जी, मैं यहाँ मौजूद अपनी लीडरशिप से दरख्वास्त गुजार हूँ कि हमारे पास जो इस इवेंट के लिए टाइम जो है वो 5 बजे तक का है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है जिसका वो हमें अकोमोडेट कर लेते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी लीडरशिप की तरफ बढ़ूं और उन्हें यहाँ दावत खिताब दूँ, उससे पहले मैं जनाब अकरम धरीजा साहब नॉटिंघम से तशरीफ लाए हैं, पुराने साथी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ आए और अपने ख्याल का मुख्य सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहूँगा। एक ही बात है कि इमरान खान और तमाम सियासी कैदियों को रिहाई के लिए हमें जद्दोजहद करनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए, और इसके साथ जो पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी बढ़ रही है, अभी 2 दिन पहले सवात के अंदर जिस तरह मज़हब के नाम पर एक मुसलमान को जलाया गया, तो इसकी भी हमें मजम्मत करनी चाहिए, फ़लस्तीनी के हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए। और आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर, यूरोप के अंदर, यूके के अंदर हम रहते हैं, आने वाले इलेक्शन आ रहे हैं 4 जुलाई को, ऐसे लोगों को वोट दे जो पाकिस्तानी अवाम के दोस्त हों, जो न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के दोस्त हों, पाकिस्तान के दोस्त हों, आम दोस्त हों। तो कम से कम आप अपने बच्चों के हवाले से भी सोचें और ऐसे लोगों को 4 जुलाई को वोट दें जो पाकिस्तान दोस्त हों और अवाम दोस्त हों कम से कम, और फ़िलिस्तीनियों के लिए ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए आज जितने हज़ारों की तादाद में फ़िलिस्तीन शहीद कर दिए गए हैं, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, हाफिज़, थैंक यू जी। इसके साथ इमरान खान की तरफ आ जाए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान।